तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लगभग छः ना हाफ एम्पायर लेवल का बंदे आ जाते। हमारे एनसेटर भी कहते भाई तुम छः बंदों कोई काम धंधा नहीं है क्या, अचानक से यहां पर आ चुके हो। जो सुनते वो लोग यहां पर कहते कि भाई तुम्हारे सेट के अंदर पहले से एक बंदा है जिसके पास चौस बॉडी है, अब एक और बंदा आ चुका है जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे कमाल की बॉडी है, और चौस बॉडी नंबर वन पर आती है, दूसरी वाली भी तेरे पास है, यानी दो दो इतनी बड़ी बॉडी तेरे पास है, जिससे ऑफकोर्स बाकी जो सेट ना उनकी जल के खाक हो चुकी है। तेरे को हम छोटी सी कंडीशन यहाँ दे रहे, वो दूसरी बॉडी वाला बंदा ना या तो मार डाल या तो उसका डिवाइन बॉडी बर्बाद कर दे, हम लोग यहां से चल जाएंगे। जो सुनता अपने सेटअप कहता है तुमको क्या लगा, मुझे समझ यहां पे नहीं आ रहा, ये बस बॉडी बहाना है, मेन भाई तुमको हमारे चौस सोलिलैंड से पंगा वंगा यहां पे लेना था। वो लोग कहते यस हमको पंगा यहां पे लेना था और हम पंगा यहां पे लेंगे, ये ले इतना बोलकर ये फैमिली का कोई सेटर है ना हमला कर देता है। तो अपने सेटर जो घंटा का पावर है ना चौस बेल उसका पावर यूज करता है और अटैक को रोक लेता है। उतने में दूसरा जो टाइटू सेट का लीडर यहां पे था ना वो भी अटैक करने आता है, केवल मैं भी अटैक कर रहा हूं तुमको सपोर्ट करने के लिए, वो भी अटैक करता है। उसके अटैक को हमारा जान जिसको वॉरन सेटर भी कहा जाता है, वही भाई जितने सालों से हमेशा सोया पड़ा था, हमारे में कटे ने विटिलिटी दी थी जग यहाँ पर गया था, उसकी भी पावर ना हाफ एम्पायर के आसपास लग रही थी, शायद कंफर्म बताया नहीं गया, लेकिन इसने अटैक रोका, यानी ये भी हाफ एम्पायर होगा ना, वही जैसे आ गया था बाकी छे के छे देख के हिल जाते, अरे बाप रे तुम अचानक से क्या कर रहे हो। ये भी कहता 8000 साल का, मेरी उम्र है 8000 साल की हो चुकी है, इतना कमाल का एडवेंचर स्मॉल नाज में पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ, आज तो यहाँ पे पक्का मजा आएगा। तो सामने से टाइटू सेट का लीडर यहाँ पे कहता है सुनो मेरी बात यार, तुम अकेले ना हम छह के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी फाइट कर नहीं पाओगे, तुम्हारी भलाई इसी में कि यहाँ से निकलो। जो सुनते जान कहता है यहाँ से निकलो बिल्कुल ना, तू फाइट पे यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेकटर की ओर, जहाँ पे वो भी मनी मन सोचता है हमारे जो लाइजू है ना, मैंने लाइजू को हेल्प कर दिया था, उनको लगभग 1 साल का टाइम यहाँ पे लगता हाफ पेपर जाने पर, और 1 साल का टाइम अभी पूरा हुआ नहीं है, और टाइटू सेट बाकी सेट वाले मिलकर हमला करने के लिए यहाँ पर आ चुके। अब एक ही रास्ता यहाँ पे बचा जो लॉन्ग आउटियन है ना, लॉन्ग टर्म आउटियन यूज करूंगा, और हमारे जो ड्रैगन एल्डर यहाँ पर है ना, ड्रैगन एल्डर को हाफ एम्पायर पे पहुंचा सकता हूँ, वही एक रास्ता बचा हुआ है। और तभी अपनी जेब से 3 पिल यहाँ पे निकालता है, तीनों पिल निकाल के ये खा लेता है। ये पिल ऐसा कि अगर तुमने खा लिया ना तो कुछ समय के लिए तुम्हारा जो ऑरा यहाँ पर है, तुम्हारा ऑरा कोई पहचान यहाँ पे नहीं पाएगा, और अभी के लिए जो लॉन्ग आउटियन है ना वो अपना ब्लड यहाँ पे बेचे जा रहा है। हमारा मेकटर पास में जाता है, उसने पिल खा लिया था, चेहरा भी कवर किया, जिसकी वजह से लॉन्ग आउटियन हमारे शयून को पहचान यहाँ पे नहीं पाता, और हमारा शयून कहता हमको भी ब्लड यहाँ पे दे दीजिए। लॉन्ग आउटियन के तभी तो गरीब फटीचर आदमी है, तेरे पास कुछ होगा क्या, हमें फ्री में नहीं देता, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, कोई कमाल का चाहिए, कुछ कमाल का आइटम है तेरे पास। शयून कहता है यस बहुत ही ज्यादा कमाल का आइटम है, लेट मी शो यू, इतना बोलकर अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब से कोई आइटम नहीं निकलता, अपना अटैक यहाँ पे निकालता है, निकाल के उसका जो एल्डर यहाँ पे था ना उसके एल्डर पे अटैक करने के लिए अपना मुक्का आगे कर देता है। और मनी मन सोचता है कि मुझे लॉन्ग आउटियन यहाँ पे चाहिए, ये एल्डर मुझे ले जाने देगा नहीं, हाँ तो उसके लिए जो लॉन्ग आउटियन आई मीन जो एल्डर यहाँ पर ना, एल्डर की पहली बैंड बजानी पड़ेगी, और पील से खाली और नहीं छुपता, बल्कि कुछ समय के लिए जो पावर ना पावर बढ़कर काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। हाँ तो जो बंदा था ना एल्डर वो भी पहचान लेता है शायून, तो शायून उतने में शायून ने अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो पावर ना वो गेट से लेवल के बराबर हो चुकी थी। तो सामने से क्या बोलते भाई, जैसे उसको जहां से मारता है सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने फाइनली एक ग्रेड से लेवल के बंदे को मारा, तो 10,000 एपिफेनी मिलता है। हमारा शायून भी खुश है, इसमें 10,000 यहाँ पे मिल चुका है, पहले से भी ना 1,500 था, यानी 11,500 हो गया, जो कि आगे चल के मुझे बहुत ही कम आएगा। दूसरी ओर जो आउटियन था ना वो भाग रहा था, वो भी डरा हुआ कि अरे बाप रे शायून इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कब कैसे बन गया यार। हमारा मेकटर उसके पास जाता है, कहता कहाँ भाग रहे हो, उसको उठाता है और उठा के निकल जाता है। और अब यहाँ पे आते हैं चौस सोलिलैंड में, जिसके बाहर ना लड़ाई उड़ाई यहाँ पे चालू थी। हमारा मेकटर काफी दूर आ जाता है, माइंड टू मन एंड सेटर से देन सेटर में बात सुनिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कुछ यहाँ पे कीजिए ताकि मुझे फायदा यहाँ पे हो जाए और मैं अंदर यहाँ पे चल जाऊँ, और बाकी जो 6 लोग ना मुझे देख ना पाए और ना मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। जो सुनते हैं सेटर भी माइंड टू मन कहता है डोंट वरी हम तुझे अंदर भेज देंगे, जो भी ध्यान है ना सारा ध्यान अभी वॉर एंड सेटर अपने साइड यहाँ पे करेंगे। हाँ तो हमारा मेकटर कहता है गुड, और अपने क्लोन भी तैयार कर लेता है कि बाई चांस पकड़ा गया ना हाँ तो क्लोन द्वारा अपनी जान यहाँ पे बचा सकता हूँ। अब आते भाई वही वॉरेन सेटर जान की ओर, जहाँ पे वो भी कहता है भाई तुम 6-6 के बंदे हो ना भाई, तुम 6 बंदे को मैं क्यों ना आज मर जाऊँ लेकिन अपने साथ लेके मरूंगा। टाइटू सेट का लीडर यहाँ पे कहता है कि अरे यार लाइजान तू क्या तमाशा देखे जा रहा है, तू तो कुछ कर गया, तू सबसे बढ़िया स्वॉर्डमैन दुनिया का माना जाता है। लाइजान भी कहता है या हाँ तो भाई जान के बच्चे मैंने बहुत तुम्हारे बारे में सुना था और आज ना तुम्हारे साथ फट करने का भी मौका मिला, यानी सारे बंदे को दिया ना अपने वॉरेन सेटर की ओर यहाँ पे था, हमारे शायून को बढ़िया मौका मिल जाता है और सेट में एंट्री मार लेता है। जैसे सेट में एंट्री मारता है वो जो ड्रैगन वाला सेटर आई मीन ड्रैगन वाला एल्डर यहाँ पे था ना वो कहता लाओ लॉन्ग आउटियन को मुझे दे दो। हमारा मेकटर भी लेता है और उठाकर डायरेक्ट फेंक के दे देता है, लॉन्ग आउटियन भी चलाता है कि नहीं अरे नहीं अरे नहीं, लेकिन उतने में हमारे लीडर ने उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लिया था। हाँ लिटरली लॉन्ग आउटियन को पूरा पूरा ऑब्जॉर्व कर लेता अपनी बॉडी में, और जैसे वो ऑब्जॉर्व करता ना उसका तो बड़ा फायदा होता है कि यस 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 अब मेरा जो लेवल अप होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सामने से अपना लाइजू भी देख
सकता है शीट यार, एक दो नहीं बल्कि छः हाफ एम्पायर लेवल के बंदे यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए, और साथ ही उनके बस दो कमाल के इंपेरियर वेपन है। लगता है आज हमारा सीट लोग बर्बाद करके ही जाएंगे। हमारा मैक अटैक करता बचाने का तरीका है, वो दोनों सेटर यहाँ पे लड़ रहे, ड्रैगन वाले को मैंने हेल्प यहाँ पे कर दी, वो भी आके लड़ाई कर लेंगे। यार आप अभी तक हाफ एम्पायर लेवल पे नहीं गए, कोई तरीका नहीं है क्या जिससे जो टाइमिंग है ना वो टाइमिंग कम करके आप कम टाइम के अंदर लेवल अप कर लो? ये भी कहता है केवल, ये बड़ा हार्ड मूवमेंट होता है, लेवल बड़ा हाई होता है तो कम टाइम नहीं हो सकता यार। फॉर एग्जाम्पल कोई तरीका हो सकता है, जैसे तुमने ड्रैगन वाले को हेल्प किया ना ए ड्रैगन यहाँ पे देकर, वैसे अगर मुझे भी कुछ मिल जाता, लेकिन मुझे आई डोंट नो भाई मुझे क्या मिलेगा जिससे मेरा टाइम यहाँ पे कम हो जाए। उतने में सामने से चिल्लाने की आवाज आती है, बेसिकली जो एनसेटर था वो मुसीबत में आ चुका था, वॉर एनसेटर टाइटल सेट के लीडर यहाँ पे चिल्लाता भी, देखा आज हम छः के छः बंदे मिलकर ना तुमको प्लस तुम्हारे सेट को बर्बाद कर देंगे, तुम तो गए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ बस दो चैप्टर था, दो से ज़्यादा आया नहीं, और एक हफ्ते में दो ही चैप्टर यहाँ पर आता है। तो मैंने बोल भी दिया था कि आपसे इसके ना हफ्ते में एक ही वीडियो आएंगे, तो ये वीडियो इस हफ्ते के लिए था, अगले वीडियो अगले हफ्ते आता है। अगर राइटर ने पहले से एडवांस में दो तीन चैप्टर यहाँ पर डाल दिया तो एडवांस में वीडियो आ जाएगा, नहीं तो अपना हफ्ते में एक एक आता रहेगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।